أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا مائی اسٹوڈنٹس فرینڈس ٹیچرز اینڈ ریلیٹیوز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فزکس ود فضل ٹوڈے آئی ایم گوئنگ to start officially the syllabus of FSC. So this is my official YouTube channel Physics with Fazal, and I will start from the very start of the chapter. Bilkul pehle hi topic se hum shuru karenge. So syllabus ke mutabik sabse pehla jo chapter hai uska naam hai chapter number 1, uska naam hai measurement. फ़र्स्ट ईयर के फिज़िक्स का जो पहला पोर्शन है वो है मेजरमेंट. लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे पास है क्या. तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं. कोई भी बुक उठा ले फिज़िक्स का, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या एडवांस लेवल का, उसमें लिखा होगा कि फिज़िक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, नंबर 2 एनर्जी, और नंबर 3 देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. तो ये तीन चीज़ें हम बेसिकली पढ़ते हैं फिज़िक्स में. फिज़िक्स के डिफिनीशन में ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड है. सबसे पहले है हमारे पास मैटर, दूसरे नंबर पर है एनर्जी, तीसरे नंबर पर है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो हम शुरू करते हैं कि मैटर हमारे पास क्या है. तो मैटर का हमने पढ़ा है कि मैटर हर वो चीज़ है जिसकी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले उसका मैस होता है या मास, और दूसरे नंबर पर वॉल्यूम. तो हर वो चीज़ जिसकी मास होती है और वॉल्यूम होती है तो वो हमारे पास मैटर के कैटेगरी में फॉल करती है. तो नॉर्मली जो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, ये तीन चीज़ें फिर एटम सॉरी मैटर के स्टेट्स में आते हैं. और एनर्जी हमने पढ़ा है हर वो चीज़ एबिलिटी टू डू वर्क जो बिल्कुल बेसिक्स है उसमें. और इसमें हम हमारे पास इंक्लूडेड है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये दो तरह की एनर्जी है, ठीक है. तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. तो ये दो चीज़ें हम बिल्कुल मैट्रिक और स्कूल लेवल पर पढ़ के आए हैं. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो अब म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? तो म्यूचुअल रिलेशनशिप मैटर और एनर्जी के बीच में ये है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, मैटर में कन्वर्ट होगा. अब मैटर हमारे पास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है? तो मैटर एनर्जी में सबसे पहले इसका पहला पार्ट, हाउ मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मैटर एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है? तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होने का परफेक्ट एग्जाम्पल है द प्रोसेस ऑफ कम्बशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सपोज़ वुड हम ले लेते हैं, लकड़ी, तो वो हमारे पास क्या है, मैटर है. और जब हम उसको जला देते हैं तो वो हमारे पास हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो वुड हमारे पास मैटर है, और आफ्टर कम्बशन इसको आग लगाने के बाद ये हमारे पास हीट और लाइट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. तो ये था मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होने का मिसाल. लेकिन जो वाइस दूसरा, मतलब एनर्जी मैटर में किस तरह कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी हमारे पास मैटर में कन्वर्ट होती है उसमें से एक तरीका है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन. तो पेयर प्रोडक्शन वो तरीका है जिसके ज़रिए मैटर हमारे पास सॉरी एनर्जी हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोटॉन्स जो है प्रोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स हैं. पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड प्रोटॉन्स. इसको जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर बमबार करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में
कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर के पास से गुजरने के बाद या न्यूक्लियस से टकराने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है या मैटर है। तो पेयर जोड़ी को कहते हैं, चूंकि यहाँ पे दो चार्जेस की जोड़ी और प्रोडक्शन क्रिएट करने को या पैदा होने को कहते हैं, तो हमारे पास दो चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, चार्जेस या सॉरी पार्टिकल्स की जोड़ी क्रिएट हो गई। तो पेयर प्रोडक्शन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इंटू मैटर। ठीक है, ये पार्टिकल्स बेसिकली हमारे पास क्या है, मैटर के मरे में आती है और मैटर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, काउंट होती है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है और पॉजिट्रॉन क्या है। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन तो आप लोग इसके साथ थोड़े से एडजस्ट हो, फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूक्लियस के शेल में रिवॉल्व करता है। पॉजिट्रॉन की भी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन इस पे चार्ज हमारे पास सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। तो ये था फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब फिजिक्स पढ़ने के फायदे क्या है, एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के पढ़ने के तीन बड़े फायदे हैं, सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे नंबर पर फिजिक्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है नेटवर्किंग, और तीसरे नंबर पर जो फिज़िक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये फिज़िक्स के सबसे तीन बड़े फ़ायदे हैं। सही शुआ, ठीक है, कंटिन्यू इट। इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग और नैनो टेक्नोलॉजी, ये फिज़िक्स के तीन बड़े फ़ायदे हैं हमारे पास। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, बिजली ये फिज़िक्स की सबसे बड़ा फ़ायदा है, एप्लीकेशन है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है फिज़िक्स की, ये आम जो बिजली है हमारे पास। तो बिजली के आने के बाद फिज़िक्स ने दुनिया में इनकलाब बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा, इससे हम सब एडजस्ट है। दूसरा फ़ायदा जो है ये है नेटवर्किंग। नाउ व्हाट इज़ नेटवर्किंग, मॉडर्न इंटरनेट जो है ये नेटवर्किंग के ज़मरे में फाल करती है, ज़मरे में इंटरनेट जो है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एट्सेट्रा, गूगल, ये सारी चीज़ें जो हैं नेटवर्किंग या इंटरनेट के कैटेगरी में फाल करती हैं, और ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ, फिज़िक्स की वजह से और फिज़िक्स के पढ़ने की वजह से। क्योंकि हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, फिज़िक्स के छः ब्रांचेस है, जिसमें एक है चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चार्जेस की स्टडी करने के बाद हमें ये तीन चीज़ें मिली है। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्मॉल को कहते हैं, और टेक्नोलॉजी के टर्म से आप लोग एडजस्ट हैं, वाकिफ़ है, सॉरी। सो जो कैंसर ट्यूब्स हैं और इस तरह की दवाइयां हैं दूसरे स्मॉल लेवल पे, जिसका साइज़ जो है 100 मिलियंथ के सवे टुकड़े का के बराबर है, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे पास, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं। पहले नॉर्मली जो चीज़ें थी हमारे पास, कंप्यूटर सपोज बना तो वो बहुत बड़ा था, अब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से और इसके फ़ायदे की वजह से हमारे पास रफ्तार रफ्तार चीज़ों की जो साइज़ है वो कम होती जाती है। तो ये भी किसकी वजह से मुमकिन हुआ, फिज़िक्स ही की वजह से हमारे पास मुमकिन हुआ। और जो है इस कोर्स में हम ये चीज़ें बेसिकली पढ़ते रहेंगे। फिज़िक्स के चार मशहूर जो हमारे पास फिजिस्ट हैं, इनकी भी आप लोग नाम याद रखें, तो आगे हम इसको बार बार यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे। सबसे पहले आइज़क न्यूटन, दूसरे नंबर पर जो सबसे फेमस वो है टेस्ला, और तीसरे नंबर पर जो मशहूर फिजिस्ट है वो है हमारे पास आइंस्टाइन, और चौथे नंबर पर हमारे पास है स्टीफन हॉकिंग। तो ये सबसे चार मशहूर फिजिस्ट हैं जिसने फिज़िक्स में इसके कंट्रीब्यूशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, किसके, न्यूटन के, टेस्ला, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के। दो तरह का फिज़िक्स है, क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। जो क्लासिकल फिज़िक्स के फादर है, फाउंडर है, वो है न्यूटन, इसलिए क्लासिकल फिज़िक्स को हम न्यूटानियन फिज़िक्स भी कहते हैं। और जो दूसरे नंबर पर है हमारे पास वो है आइंस्टाइन, ये मॉडर्न फिज़िक्स के फादर है, पिता है। क्या मसला है, समझ आ,
خادیته غړاوم صحیح خیر ده بتر کټ یا کو کټ نمیم ټیک ما کلاس کې چرتا شان نه نه چھوڑے چھوڑے ٹھیک ها نو دا مونږ سره سشایو یہ کیا تھا ہمارے پاس بلا فزکس کے چار جو مشہور فزسٹ تھے ان کے نام تھے ٹھیک ہے آگے ہم موو کرتے ہیں لاسٹ ٹو پورشنز آف ٹوڈیز انٹروڈکٹری پارٹ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو فزکس کے چھ مین برانچز ہیں وہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس چھ برانچز جو فزکس کے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلاسیکل میکینکس یا میکینکس فزکس کی پہلی برانچ ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے اپٹکس اور تیسرے نمبر پر جو فزکس کی برانچ ہے وہ ہے تھرمو ڈائنامکس اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے الیکٹرو میگنیٹزم یہ چوتھا برانچ ہے کس چیز کا فزکس کا اور پانچواں جو فیمس برانچ ہے فزکس کا وہ ہمارے پاس ہے ریلیٹیویٹی آغا سے شاید ہے ریلیٹیویٹی اور چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ہے کوانٹم فزکس کوانٹم فزکس یہ چھٹا برانچ ہے تو یہ جہاں کہیں بھی آپ لوگ فزکس پڑھیں گے تو انہی چھ برانچز سے وہ اخذ کردہ ہوتا ہے فزکس کا کوئی بھی چیپٹر کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی پورشن تو سب سے پہلے میکینکس اب جو فرسٹ ایئر آپ لوگوں کا سلیبس ہے اس میں چیپٹر نمبر ون سے لے کر چیپٹر نمبر سیون تک جو ہے وہ میکینکس کے پورشن میں کاؤنٹ ہوتی ہے چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آپٹکس کے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے چیپٹر ایٹ اور نائن اور چیپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ تھرمو ڈائنامکس ہے ٹھیک ہے تو ہم شروع کریں گے میئرمنٹ میئرمنٹ ہمارا پہلا چیپٹر ہوگا چیپٹر نمبر فرسٹ ہمارا ہوگا میئرمنٹ سو میئرمنٹ کیا ہے دا کمپیریزن آف فزیکل کوانٹیٹی وتھ سم اسٹینڈرڈ یہ میئرمنٹ کا ڈیفینیشن ہے دا کمپیریزن آف فزیکل کوانٹیٹی کمپیریزن آف فزیکل کوانٹیٹی ود سم اسٹینڈرڈ کوانٹیٹی ود سم اسٹینڈرڈ از کالڈ میئرمنٹ فزیکل کوانٹیٹی کو جب ہم اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں میئرمنٹ کہتے ہیں اب فزیکل کوانٹیٹی ہمارے پاس کیا ہے تو اس لیے ہمیں شروع یہاں سے کرنا پڑے گا کہ فزیکل کوانٹیٹی کس چیز کو کہتے ہیں سو ہمارا پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر ون میئرمنٹ اور اس میں کی ڈیفینیشن میں ہے کہ فزیکل کوانٹیٹی سو لیٹ اسٹارٹ فرام فزیکل کوانٹیٹی کہ فزیکل کوانٹیٹی ہمارے پاس کیا ہے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی ہاں ہاں لیٹ اسٹارٹ to discuss what ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائے اور مزے کے نوٹس بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر یہ پیپر کے لیے ایگزامس کے لیے ٹیسٹ کے لیے موجود ہو ریویژن کے لیے سو دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں نارملی ہوتی ہے ایک ہے کوانٹیٹی اور دوسرا ہے کوالٹی کوانٹیٹی جو ہے یہ ہم کہتے ہیں مقدار کو اور کوالٹی جو ہے یہ ہم کہتے ہیں معیار کو ٹھیک ہے تو گڈ اور بیڈ کوئی چیز کتنا اچھا ہے یا برا ہے یہ کوالٹی کے کیٹیگری میں فال کرتی ہے اس سے ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے فزکس کے پورشن میں ہے بٹ اپ ٹو 10% یا 15% بیسک جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ فزیکل کوانٹیٹی ہے اور وہ کوانٹیٹی کے کیٹیگری میں فال کرتی ہے سو وٹ از کوانٹیٹی لیس آر مور اماؤنٹ آف اے سبسٹانس کو ہم کیا کہتے ہیں کوانٹیٹی کہتے ہیں اور کوانٹیٹی ہمارے پاس دو طرح کی ہے ون از فزیکل اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نان فزیکل کتنے ٹائم کا ہو گیا 14 منٹ میں ہاں فزیکل اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نان فزیکل صحیح شوا سو فزیکل کوانٹیٹی ہو یا نان فزیکل ان کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اس کو ہم کوانٹیٹی کہتے ہیں فزیکل کوانٹیٹی بھی اور نان فزیکل کوانٹیٹی بھی ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں آبزرو کر سکتے ہیں وتھ دا ہیلپ آف اور فائیو سینسز اسمیل ٹچ سائٹ اس کے ذریعے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں آبزرو کر سکتے ہیں اب ڈفرینس کیا ہے فزیکل اور
नॉन फिजिकल में इसको हम मैयर भी कर सकते हैं, प्लस मैयर्ड कैन बी मैयर्ड, और ये कैन नॉट बी मैयर्ड, इसको हम मैयर नहीं कर सकते। किसको? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हंगर, भूख को हम मैयर नहीं कर सकते, हेट नफरत को हम मैयर नहीं कर सकते, लव मोहब्बत को हम मैयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि लेंथ जो हमारे पास है, लेंथ या मास या टाइम, इसको हम क्या कर सकते हैं? मैयर कर सकते हैं, 2 मीटर, 4 kg, 10 सेकेंड, तो इस चीज़ों को हम मैयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और जिनको हम मैयर नहीं कर सकते वो है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इन ब्रॉडर टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कितने पोर्शन में? 3 पोर्शन में हमने इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़, 3 तरह की है फर्दर, बेस, और दूसरे नंबर पर है डिराइव्ड, और तीसरे नंबर पर है सप्लीमेंट। ये 3 तरह के क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अप टू 1960 तक जब पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, या चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन ये है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफ्राइड, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसके टर्म में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दोस फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्लेन्ड या डिस्क्राइब्ड, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। जो हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के कायदों या डिफिनीशंस के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इसकी तादाद 7 है, वो टेबल हम ड्रा कर लेंगे। और ये हमारे पास इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स है, तो ये सारे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? जब सिस्टम इंटरनेशनल बना, SI सिस्टम, तो उसमें जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ CGPM 1960 तो उसमें क्या था भला? उसमें उन्होंने क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया बेस में या डिराइव्ड में, लेकिन दो क्वांटिटीज़ ऐसे हो रह गए जिनको ना तो वो बेस के कैटेगरी में कर सके और ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के उसमें वो उसको कर सके, तो उनको उसने अलग ग्रुप में रखा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में। और फिर जो है 1994 में फिर इसको उन्होंने कहा कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन 1960 तक इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये क्वांटिटीज़ बेस है, 7 डिराइव्ड्स भी डिफाइन हो गए। दो क्वांटिटीज़ ऐसे थे, रेडियन और स्टेरेडियन, जिनके बारे में ये डिसाइड ना हो सका कि ये बेस है या डिराइव्ड है, और कॉन्फ्रेंस का टाइम ख़त्म हुआ तो उन्होंने इसको सप्लीमेंट्री में रखा कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल ऑफ टुडेज दिस लेक्चर, और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, उसके बाद हम सर्कल, और फिर सर्कल के बाद हम रेडियन और स्टेरेडियन जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हिस्सा हैं वो पढ़ेंगे। सो थैंक्स टू सैयद अली कासिम शाह जिलानी मुबारक,
उसके हुक्म पर मैंने चैनल का नाम यही रखा। सो मैं ये चैनल का जो नाम है मैंने उसके और रखा हैदराबाद लोरलाई शरीफ। और क्योंकि सादात ही की नज़र करम से दुनिया चलती है, और जो इसके अलावा मैं अपना ये हार्ड वर्क अपने दोस्त मोहम्मद शिनवारी को डेडिकेट करता हूँ, जिसने मेरी एजुकेशन कैरियर में काफ़ी हेल्प की, बट आल्सो इन द अदर व्हाट आई कॉल्ड डिसीशंस एंड प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी के दूसरे उसमें, तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चैनल और ये काम मैं इन दोनों को डेडिकेट करता हूँ। सो स्टे विद मी और इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज हम इसको लेके चलेंगे आखिर तक। सही शुआ, थैंक यू।